Hello everyone, welcome to my channel Vishesh English Spoken Classes. I am Poonam. This video is gonna be very helpful for you if you are beginner and just you started your English speaking journey. तो वीडियो को पूरा देखे, अंत तक देखे, इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा. Okay? What is the main problem? What is the main hurdle to speaking in English? हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रांसलेशन जो है उसे हमें रोकना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा. इफ़ यू वांट बी आर्टिकुलेट इन इंग्लिश, इफ़ वांट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो आपको सबसे पहले जो ट्रांसलेट करते हैं अपने माइंड में उसको स्टॉप करना पड़ेगा. डायरेक्ट आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा. यू हैव टू थिंक डायरेक्ट इन इंग्लिश. मे बी आप बिगनर्स हो तो आप सोच रहे हो कि मैम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक डायरेक्ट इन इंग्लिश, बट आफ्टर कपल ऑफ मंथ जस्ट स्टार्ट योर जर्नी. And after a couple of months, you will find some changes in yourself if you follow this rule, regulation, whatever I'm gonna explain in this video today. Okay? First of all, if you wanna be fluent in English, you have to stop translation in your mind. Think direct in English. For example, आप जब अपनी English speaking की journey start करते हो तो छोटे छोटे जो words होते हैं उनको learn करना शुरू करो in English. Okay? जैसे कि आप अपने अराउंड कुछ भी देखते हो, जैसे फैन है तो हिंदी में उसे पंखा मत बोलिए, फैन बोलिए, मैट बोलिए, पेंसिल, पेपर, एप्पल, ग्रैंडफादर, मदर, जो वर्ड्स होते हैं उनको आप इंग्लिश में, उनका नाम इंग्लिश में लर्न करना स्टार्ट करिए. तो इससे आप क्या होगा, आप हैबिचुअल होंगे, आप फैमिलियर होंगे विद दोज वर्ड्स, वेलकम विशेषण इन इंग्लिश. आप ऑटोमेटिकली आप नेचुरली बोलने लगोगे इन इंग्लिश, their name in English. Okay, that is my point. Then first of all, learn simple words in English. After that, आप move on करो sentences की तरफ. छोटे छोटे sentences बनाना start करो. Like where is my pen? Where is my pencil? This is pen. This is pencil. There is apple on the table. इस तरह के sentences आप English में बोलिए और अपने mind को set करिए कि वो apple है, वो मैंगो है, वो आम नहीं, उसको डायरेक्ट मैंगो इमेजिन करिए. उसकी जो पिक्चर है, जो उसका विजुअलाइजेशन है वो आएगा आपके माइंड में. तो आप जब इंग्लिश बोलोगे तो आप बट नेचुरल आप कहोगे कि वो मैंगो है. आम की जगह आप मैंगो बोलोगे, ओके, और सेब की जगह आप एप्पल बोलोगे. नेचुरली यू विल स्पीक इन इंग्लिश, ओके. एंड सेकेंड आप सेंटेंसेस स्टार्ट करो बनाना छोटे छोटे बट वेरी सिंपल. There is no need to petrify. Oh my God, I'm gonna speak in English. तो मुझे advanced structure ही बोलने हैं, advanced phrases ही use करें. No, if you are beginner, then start your journey with calm and cool. There is no need to petrify. Okay? तो आप छोटे-छोटे sentences बनाना start करो और उसको अपने mind में सोचो. Direct think in English. Translation से अगर बचना है तो for the fluency, you have to do. You have to follow all these methods. So you will be able to speak in English without any hesitation in front of anyone. और इसके बाद आप translation से बच रहे हो, धीरे धीरे आप देखोगे कि कुछ changes आप में आ रहे हैं. After couple of months you will find some changes in yourself. Okay? तो आपने पहले क्या किया, words को learn करना शुरू किया. उसके बाद after that आपने sentences बनाना शुरू किया. After that अब छोटे छोटे सेंटेंस बनाना स्टार्ट किए. अब धीरे धीरे आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करिए एंड आप कन्वर्सेशन पे आइए, कन्वर्सेशन करिए. मे बी इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी तो आपको थोड़ी हेजिटेशन होगी कि मैं स्ट्रेंजर के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड के साथ इंग्लिश में बात करूंगा या करूंगी तो दे विल लाफ एट मी इफ आई स्पीक इनकरेक्ट इंग्लिश. तो आप खुद से बात करो, वॉचिंग टीवी एंड वाइल प्लेइंग गेम, आप कुछ भी कर रहे हो उसको इंग्लिश में सोचो. ओके, डायरेक्ट थिंक इन इंग्लिश, उसको इंग्लिश में सोचो, उसको ट्रांसलेट नहीं करो अपने मदर टंग से फिर इंग्लिश में, इंग्लिश से फिर मदर टंग में. ट्रांसलेट करोगे तो आप पैनिक हो जाओगे, ओके. एंड इफ यू डोंट वॉन्ट टू स्पीक इन अ कॉकनी टोन सो फॉलो दिस मेथड. या इट इज बून फॉर यू. सो माई डियर फ्रेंड्स, तो आप सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट किए, कन्वर्सेशन स्टार्ट करिए. जब आप अपने से कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे ना तो आप उन सेंटेंसेस से फैमिलियर होना शुरू हो जाएंगे. फिर आप वो धीरे धीरे नेचुरली ऑटोमेटिकली आप बोलेंगे उनको इंग्लिश में, ओके. आफ्टर दैट स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश
with stranger, with your family members, with your friends. Okay? तो आप जो खुद से बात करना शुरू कर किए थे, जो इस जर्नी आपने स्टार्ट किया था, वो अब आपके बहुत काम आने वाली है. जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात करेंगे तो आप बहुत इंग्लिश में बात करने के लिए एक्साइटेड रहेंगे कि आई नो आई कैन टॉक. सो इफ दैट पर्सन कैन टॉक, व्हाई आई डोंट, आई विल टॉक, डेफिनेटली आई कैन टॉक. तो खुद को मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है. मोटिवेट भी करिए और इसको फॉलो भी करिए. तो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट एवर यू आर एबल टू अराउंड यू, सो माय डियर फ्रेंड, व्हाट एवर यू आर एबल टू सी अराउंड यू, लर्न देयर नेम इन इंग्लिश. ओके? और कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करो और खुद को मोटिवेट करो. यस आई कैन, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश. ओके? इंग्लिश इज नॉट बगबेयर, इट्स जस्ट लैंग्वेज. आई होप यू विल फॉलो ऑल दिस मेथड. डेफिनेटली you will be articulate one day. Keep smiling, keep practicing. Bye bye.